सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बट चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। इस वीडियो में आप सीखेंगे फोन पे का UPI पिन भूल जाने पर नया UPI पिन सेट करना और UPI पिन बदलना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। फोन पे वीडियोस की सीरीज में हमने इससे पहले काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि फोन पे ऐप डाउनलोड करना, उसमें रजिस्टर्ड करना, फोन पे का लॉगिन पासवर्ड चेंज करना, मोबाइल रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, गोल्ड सेल परचेस करना इत्यादि। फोन पे ऐप के सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप फोन पे का ट्रांजेक्शन UPI पिन रीसेट करना सीखेंगे। UPI पिन एक सिक्योरिटी पिन होता है जो कि ट्रांजेक्शन के वक्त काम आता है। UPI पिन रीसेट करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप UPI पिन भूल गए हैं या किसी अन्य कारण से UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं। UPI पिन रीसेट करने के लिए आपके पास उस बैंक का डेबिट कार्ड होना जरूरी है जिस बैंक अकाउंट का आप UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं। UPI पिन रीसेट करने के लिए अपने फोन पे ऐप को ओपन करेंगे। हमने इसे पहले से ओपन करके रखा है। फोन पे अकाउंट में लॉगिन करने पर इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको नीचे की तरफ माई मनी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको पेमेंट मेथड में बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोन पे में लिंक बैंक अकाउंट खुलकर आ जाएंगे। हमने फोन पे में एक ही बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है। आपने जितने भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखे होंगे वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे और बैंक अकाउंट के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, चेंज भीम UPI पिन और रीसेट भीम UPI पिन। यदि आप UPI पिन भूल गए हैं तो रीसेट भीम UPI पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ डेबिट कार्ड नंबर के लास्ट 6 डिजिट एंटर करेंगे। यहाँ कार्ड एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करेंगे। डिटेल एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ एंटर करेंगे। वैसे तो OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, यदि ऑटोमेटिक नहीं होता है तो मैनुअली एंटर करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही यहाँ चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना नया UPI पिन सेट करेंगे। तो चलिए हम अपना UPI पिन डाल देते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब OTP कंफर्म करने के लिए फिर से यही UPI पिन एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही आपका नया UPI पिन सेट हो जाएगा। अब आप UPI पिन बदलना सीखेंगे। यदि आपको UPI पिन पता है और आप अपना UPI पिन बदलना चाहते हैं तो चेंज भीम UPI पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पुराना वाला UPI पिन डालना है। इसके बाद यहाँ नया UPI पिन सेट करेंगे। तो चलिए हम UPI पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म के लिए फिर से यही UPI पिन एंटर करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका UPI पिन चेंज हो जाएगा। दोस्तों, अब आप UPI पिन रीसेट करना और UPI पिन चेंज करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।